good morning class third how are you all I hope you all are well this is your English period please check out your basic English grammar and composition part three book today we are going to do the exercise of chapter preposition so open page number 99 here page number. उपोजिशनो राइट इन द्लैंक्सूंढना है ओके एज यू नो प्रशन क्या होता है जो की किसी चीज की लोकेशन बताए वो वर्ड जो किसी चीज की लोकेशन बताए और वो किससे पहले आता है नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं है. या फिर उनका रिलेशन बताए नाउन और प्रोनाउन से ठीक है वो वर्ड जो कि एक तो रिलेशन बताए नाउन और प्रोनाउन से उनका और दूसरी थे is, उसकी लोकेशन बताए उसकी पोजीशन बताए कि वो कहाँ है ठीक है और ध्यान रखना कि वो जो हमारा प्रपोजिशन होता है हमारे नाउन प्रोनाउन से पहले आता है ओके लेट्स स्टार्ट फर्स्ट She sits beside her mother. यहाँ पे जो लड़की है वो मम्मी के कहाँ पे बैठी है उस चीज पे फोकस है तो यहाँ लोकेशन बता रहा है जो वर्ड प्रपोजिशन है यहाँ लोकेशन बता रहा है तो लोकेशन क्या है उसकी पोजिशन क्या है बिसाइड वो उसके बगल में बैठी है शी सेड हर मदर वो अपनी मदर के बगल में बैठी है ठीक है नेक्स्ट ही लिव्स इन पुणे वो पुणे में रहता है इसमें नाउन कहा है सबसे पहले नाउन प्रोनाउन हेयर एंड हेयर इससे पहले तो कोई हमारा प्रपोजिशन या फिर कोई भी वर्ड नहीं है देखिए इससे पहले जो वर्ड है लिव्स लिव्स क्या होता है रहना रहना क्या हुआ वर्ब तो ये तो नहीं होगा तो क्या होगा इन ठीक है इन होगा क्यों होगा क्योंकि वो बताया जा रहा है कहाँ पे रहता है वो कहाँ रहता है पुणे में रहता है वो ठीक है उसकी पोजीशन बताई गई है उसकी प्लेस की लोकेशन बताई गई है कि वो कहाँ रहता है ओके नेक्स्ट इट इज़ फोर ओ क्लॉक बाय माय वॉच अब ये रिलेशन बता रहा है कि वॉच में कितने बज रहे हैं कितने बज रहे हैं फोर ओ क्लॉक बज रहे हैं और कैसे पता चल रहा है मैं किस वर्ड से पता चल रहा है कि वॉच में बज रहे हैं बाय है ना बाय माई वॉच मतलब वॉच में मैं जब देख रहा हूँ तब पता चल रहा है अगर वॉश नहीं होती तो नहीं पता चलता तो ये रिलेशन शो कर रहा है ठीक है प्लीज राइट अ लेटर टू योर अंकल यहां पे किसका रिलेशन हो रखा है लेटर और अंकल का और कौन सा वर्ड कर रहा है रिलेट इन दोनों को टू तुम अपने अंकल को लेटर भेजो लिखो ठीक है तो इसमें कौन सा वर्ड है टू नेक्स्ट ही ड्रोव हिस्स कार स्पीडली थ्रू द स्ट्रीट अब कहा के थ्रू जा रहा है कहां से जा रहा है वो स्ट्रीट के थ्रू जा रहा है तो जो वर्ड बता रहा है वो क्या है हमारा थ्रू थ्रू बता रहा है हमें कि वो कहा से जा रहा है रोड स्ट्रीट से जा रहा है तेजी से ठीक है नेक्स्ट पीपल वर टॉकिंग अबाउट द एक्सीडेंट जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं किसके बारे में रिलेशन बता रहा है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं एक्सीडेंट के बारे में एंड हेयर द वर्ड इज अबाउट क्योंकि उसके बारे में बात कर रहे हैं उसके साथ रिलेशन है ओके नेक्स्ट देयर इज अ लॉन्ग ब्रिज ओवर द रिवर अब आपको बताया जा रहा है कि एक रिवर है उसके ऊपर से क्या जा रहा है एक लॉन्ग ब्रिज जा रहा है तो इसमें हमें कैसे पत, कहां पता कहाँ पता चले उसकी लोकेशन कहाँ है जो ब्रिज है वो कहाँ पे है रिवर के ऊपर है तो यहाँ पे ऊपर वाला चीज कौन बता रहा है कि उसके ऊपर से जा रहा है ब्रिज ओवर बता रहा है ओके ओवर मींस मैंने आपको बताया था ना? जब आपका नीचे पूरा कवर्ड होगा ये इस तरह से ठीक है द टू गोट्स मैट ऑन द ब्रिज अब इसमें हमें लोकेशन बता रहे हैं कि वो जो दो गोट्स है वो कहाँ पे मिली ब्रिज में मिले वो ब्रिज के पे मिले ठीक है ब्रिज था उसके ऊपर वो मिले तो कहाँ मिले ऑन द ब्रिज ब्रिज पे मिले तो है ऑन बता रहा है उनकी लोकेशन की कहाँ पे मिले वो ठीक है द कैट स्लीप अंडर द टेबल कैट कहाँ सो रही है कहाँ लोकेशन बता रहे है उसकी सोने की टेबल के नीचे इट्स मीन अंडर टेंथ आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज आप ये रिलेशन बता रहे कि उसको क्या पढ़ना पसंद है कब पढ़ना पसंद है उसको इंटरेस्ट कब आता है उसे जब वो शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहा हो तो इन इन जब वो शॉर्ट स्टोरी पढ़ता है तब उसको इंटरेस्ट आता है ठीक है सो दीज आर द प्रपोजिशन है यू हैव टू राइट हेयर दिस इज यम वर्क यू कैन डू इट बायर सेल्फ और आई कैन राइट इट विथ यू Because you have to write just the word given here. Okay? You can do it by yourself. Okay? So I hope you understand this. If you have any query, you can ask me. Okay? With this, a class end here. I will see you the next time. Till then, stay home. Stay safe.